क्या बदतमीजी है मनीषे? साहब इस परिवार के अंदर जहर है। घर के अंदर जहर है? अरे तुझे पता भी, तू क्या बोल रही है? साहब मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, इस बर्गर के अंदर जहर है। जहर इस बर्गर में? हाँ। तुम्हारी ये हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और तब से क्या बकवास सुनने जा रही हूँ मैं, जहर है, जहर है, क्या जहर है इसमें? साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं कसम खाता हूँ इस बर्गर के अंदर जहर है। अरे लेकिन मनीष, इस बर्गर में जहर मिलाएगा कौन? मालकिन। सागर ये झूठ बोल रहा है, तुम इन गरीब लोगों की फितरत तो जानते हो ना कैसे होते हैं, बड़े घरों में जाके लड़ाई लगवाते हैं बस। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाने की? अरे थोड़ी बहुत भी तेरे में शर्म है ही नहीं है? अरे तू इतनी बातें बोल रहा था वहां तक तो ठीक था, अब तू मेरी बीवी के खिलाफ बोल रहा है? मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, बोल दे ये सब झूठ है। साहब ये झूठ नहीं है, बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बोल रहा हूँ इस बर्गर के अंदर जहर है। सागर मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी लेकिन डर रही थी, ये ना मेरे पे गंदी नजर रखता है, मुझे बहुत डर लगता है। रोए जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे तेरी भाभी है, मौत समान होती है भाभी, और तू इनके ऊपर गंदी नजर डाल रहा था, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं सब करने से पहले? साहब ये मुझे फंसाना चाह रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा ये झूठ बोल रही है। निकल जा मेरे घर से। ठीक है साहब, अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं तो मैं निकल जाता हूं, पर उससे पहले मुझे एक बात सुननी है। हाँ ठीक है बोल। साहब इस बर्गर के अंदर जहर, और इस बर्गर में जहर मिलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा मालकिन को। हाँ आज मैं इसके बर्गर में जहर मिला रही हूँ, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म, फिर कोई टेंशन नहीं, और इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम, फिर हम दोनों ऐसे जाएंगे साथ में। चलो ठीक है मैं करती हूँ, हाँ बाय बाय। अच्छा तो तेरा कहने का मतलब है कि इस बर्गर में जहर है जो इसने मिलाया? हाँ। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ठीक है पूजा खाओ इस बर्गर को। मैं नहीं खा सकती। पूजा खाओ इस बर्गर को और मनीष को गलत प्रूफ करो कि जो तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सागर मैं कह रही हूँ ना मैं नहीं खा सकती। पूजा तुम उसे प्यार करती हो ना, खाओ इस बर्गर को। मैं बोल रही हूँ ना मेरा मन नहीं है ना खाने का। बोला ना खाओ इस बर्गर को। मैं बोल तो रही हूँ ना नहीं खा सकती, जहर है इसमें। क्या जहर इस बर्गर में? तुमने इस बर्गर में जहर मिलाया था? अरे थोड़ी बहुत भी शर्म बची नहीं बची तुम्हारे में? अरे अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, या तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए था तो एक बार मांग लेती, मैं मना थोड़ी ना करता। तुम बोलती थी मुझे शॉपिंग करवानी है, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाया करता। तुम बोलती थी मुझे ये चीज चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज दिलाया करता। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में तो मुझे आज ये सब देखना पड़ रहा है? तुम मुझे मारने चली थी? अगर तुम किसी और लड़के से प्यार करती थी तो मुझे एक बार बता देती, मैं तुम्हारी उससे शादी करवाया था, तुमसे डिवोर्स ले लेता। लेकिन तुम तो मुझे ही मारने चली थी। पूजा बहुत हो गया, इससे पहले मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी पत्नी हो, निकल जाओ मेरे घर से। सागर एक बार मेरी बात सुन लो। बोला ना जाओ यहां से। गेट आउट। और हाँ डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, अब निकलो यहां से। मनीष हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे साहब आप क्यों माफी मांग रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आपने मेरे लिए इतना किया तो ये सब तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को अपनी जान भी देनी पड़े जब भी मैं आपके एहसानों को नहीं चुका पाऊँ। वो तो ठीक है मनीष, लेकिन मैं पूजा के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने ये नहीं देखा कि कौन सही और कौन गलत, और तुम्हारे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। कोई नहीं आप शांत हो जी, मैं सब साफ करता हूँ और आप मेरे चाहिए।